ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं चॉकलेट प्री मिक्स से केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और हम साथ में डेकोरेशन भी करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने से पहले हम केक टिन तैयार कर लेंगे। केक टिन हम 5 इंच का लिए हैं, आधा केजी केक के लिए, और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल करके ग्रीस कर लिए हैं और मैदा का डस्ट कर लेंगे। 1 चम्मच मैदा डाल करके हम चारों तरफ मैदा का कोट कर लेंगे। केक टिन में आप इस बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केक टिन तैयार हो गया, साइड में रखते हैं। मिक्सिंग बाउल लेंगे, 1 कप डाल देंगे प्री मिक्स, तो यहाँ पर चॉकलेट प्री मिक्स हम लिए हैं। 3 चम्मच डाल देंगे कुकिंग ऑयल और पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम घोलेंगे। तो चॉकलेट केक में बिल्कुल गुलठी नहीं रहना चाहिए, बराबर से चम्मच को चलाना है, एक ही डायरेक्शन में हम इसको चलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आधा केजी का हम केक बना रहे हैं, तो 1 कप चॉकलेट प्री मिक्स का इस्तेमाल किए हैं। और इस तरह से देखिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए केक के लिए। अब बैटर को हम केक टिन में डाल देंगे और इसको बेक कर देंगे। तो अभी हम थोड़ा सा केक टिन को टैप कर लेंगे ताकि जो भी इसमें एयर है वो निकल जाए। और पहले से हम बर्तन को प्री हीट कर दिए हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो प्री हीट करना ज़रूरी है जब भी हम बेकिंग करते हैं तो। और केक टिन को बर्तन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम पतीला में बना रहे हैं केक को, कवर कर देंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। बर्तन के ऊपर हम भारी बर्तन रख देंगे ताकि अंदर का एयर ना निकले और अच्छी तरह से बेक हो जाए। 30 से 35 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। 30 से 35 मिनट हो गया है, एक बार हम केक को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा से देखिए बेक हो गया है केक। तो इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। केक रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है तो इसको केक टिन से बाहर निकाल देते हैं केक को, और एक प्लेट में इसको डाल देंगे। और ये आसानी से निकल गया और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्स्चर आया है और बहुत ही स्पंजी बना है और एकदम सॉफ्ट। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दिख रहा है केक। तो प्री मिक्स से केक बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब हम इसको 3 लेयर में काट देंगे। अंदर का भी टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना है केक। और इसका हम ऊपर का भी टॉप थोड़ा सा काट देते हैं क्योंकि हमें इसको डेकोरेट करना है। तो ऊपर का थोड़ा टॉप काट देंगे और इसका हम 3 लेयर कर लेंगे। हम यहाँ पे चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं केक को काटने के लिए। आप चाहे तो धागे से भी काट सकते हैं, धागे से भी एकदम बराबर कटेगा। यहाँ पे हम चॉकलेट केक को 3 लेयर में काट लिए हैं। तो अभी इसको साइड में रखते हैं और हम अभी चॉकलेट बनाने के लिए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मोडे का चॉकलेट यूज़ किए हैं और डार्क चॉकलेट कंपाउंड है। आप कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं चॉकलेट कंपाउंड। तो यहाँ पे हम 150 ग्राम डार्क चॉकलेट का यूज़ किए हैं। तो इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। हम यहाँ पे चॉकलेट को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मेल्ट करेंगे। चाहे तो आप इसको ग्रेट कर लीजिए। तो काट करके चॉकलेट को डालने से या ग्रेट करके डालने से जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है। पहले से हम बर्तन में पानी गर्म कर लिए हैं और दूसरा बर्तन जो है चॉकलेट वाला उसको उसके ऊपर रख दिए हैं। और ध्यान रखना है गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और पानी एकदम दूसरा बर्तन जो ऊपर वाला बर्तन उसे टच नहीं होना चाहिए। और बड़ा बर्तन लेंगे। और इस तरह से देखिए इसको चलाते रहेंगे और धीरे धीरे चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं। चाहे तो आप माइक्रोवेव में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, माइक्रोवेव में जल्दी मेल्ट हो जाता है। और डबल बॉयलर में अगर हम मेल्ट करते हैं तो 10 से 12 मिनट लगता है। तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी हो गया है। तो चॉकलेट मोल्ड में हम इसको डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके चॉकलेट का मोल्ड में कोई भी तरह का डिज़ाइन आप इसमें सेट कर लीजिए और इसको थोड़ा देर के लिए फ्रीज में रख दीजिए ताकि ये जल्दी से जम जाए। और जो चॉकलेट हम मेल्ट किए हैं वो थोड़ा सा बचा हुआ तो इसको हम गनाच बना लेंगे। तो इसमें व्हीपिंग क्रीम 3 बड़ा चम्मच डाल करके इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सिल्वर डस्ट डाल देंगे। सिल्वर डस्ट डालने से बहुत ही अच्छा चमक आ जाएगा गनाच में। और इसमें 1 चम्मच न्यूट्रीजेल डाल दे रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए गनाज का। तो इसमें अच्छे तरह से हम इसको फेट लेंगे और जितना अच्छा से फेटेंगे उतना अच्छा ये ग्लेज करेगा। और यहाँ पे देखिए गनाज तैयार हो गया है, तो इसको साइड में रखते हैं और अभी हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिए हैं। लो स्पीड पे हम 4 मिनट के लिए फेट लेंगे। तो कोई भी ब्रांड का आप व्हिपिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे हाई कर दे रहे स्पीड को और जब तक हम फेटेंगे जब तक कि ये पूरा डबल ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए व्हिपिंग क्रीम में एकदम डबल हो गया है, बॉल एकदम भर गया है। इसको उल्टा करके देख लेते हैं तो एकदम गिर नहीं रहा, यानी कि हमारा आइसिंग के लिए ऐसे ही क्रीम चाहिए। तो दूसरा मिक्सिंग बॉल में हम थोड़ा सा क्रीम निकाल ले रहे हैं और इस क्रीम को हम साइड में रख लेंगे। अब हम चॉकलेट क्रीम तैयार कर लेंगे। तो इस बॉल में थोड़ा सा हम चॉकलेट सॉस डाल दे रहे हैं 2 चम्मच। चाहे तो हम क्रीम में चॉकलेट कलर आता है उसको भी डाल करके कलर दे सकते हैं, एकदम चॉकलेट का कलर आ जाएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे हम चॉकलेट सॉस डाल करके और इसको एक बार हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह से चॉकलेट और क्रीम मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखिए चॉकलेट क्रीम तैयार हो गया है। अब हम केक के ऊपर इसको आइसिंग करेंगे। तो एक लेयर में हम शुगर सिरप डालेंगे, थोड़ा सा पानी में हम चीनी डाल करके घोल लिए थे और इसको हम स्पंज कर देंगे अच्छे तरह से। उसके बाद से हम क्रीम डाल देंगे और इसको पैलेट नाइफ से इसको फैला लेंगे। शुगर सिरप डालने से बहुत अच्छा मॉइस बनता है केक। तो इसको बराबर से हम क्रीम को फैलाएंगे। उसके बाद से इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा चॉकलेट सॉस जो हम तैयार किए थे और इसको डाल करके मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चॉकलेट सॉस डालने से। और इसके ऊपर चॉकलेट क्रश डाल देंगे, चाहे तो आप चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं इसमें। ब्राउन वाली और वाइट वाली दोनों चॉको चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा लेयर भी केक का हम डाल दिए हैं और इसको शुगर सिरप से अच्छी तरह से हम भिगा देंगे और इसके ऊपर हम क्रीम डाल करके अच्छी तरह से पैलेट नाइफ से इसको फैला लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम केक को डेकोरेट किए हैं। आप अपने पसंद के अनुसार डेकोरेशन कीजिए। अभी हम केक का क्रम कोट कर रहे हैं। तो दूसरा लेयर भी हम क्रीम लगा लिए हैं और चॉकलेट सॉस डाल दिए हैं और इस पर चॉकलेट क्रंच भी डाल दिए हैं। और अब हम ये टॉप वाला लेयर रख लेते हैं और साइड से क्रीम लगा करके हम इसको प्लेन कर लेंगे। और ऊपर वाले टॉप पर भी हम शुगर सिरप से स्पंज कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे चॉकलेट क्रीम और इसको अच्छा तरह से हम क्रम कोट कर देंगे। क्रम कोट के बाद हम फाइनल कोट कर रहे हैं। देखिए इस पर हम अच्छे तरह से चारों तरफ चॉकलेट क्रीम को लगा लिए हैं। और यहाँ पे देखिए इसको हम फ्रिज में रख दे रहे हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और यहाँ पे देखिए चॉकलेट तैयार हो गया है, बहुत अच्छा चॉकलेट बना है। आप इस तरह से कभी भी बना करके बच्चों को चॉकलेट दे सकते हैं। कोई भी शेप में आप इस तरह से मोल्ड खरीद लीजिए और उसमें कोई भी शेप का आप चॉकलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट क्रीम को हम पाइपिंग बैग में थोड़ा सा भर ले रहे हैं। तो पाइपिंग बैग में हम क्रीम डाल दिए हैं, फ्रिज से हम केक को निकाल ले रहे हैं। अब इसके ऊपर हम गनाज डालेंगे। तो अभी गनाज को एक बार चला लेते हैं। जैसे जैसे गनाज ठंडा होता है ये गाढ़ा होने लगता है। तो जब यूज़ करना है और गनाज गाढ़ा हो गया है तो इसको एक बार डबल बॉयलर में गर्म कर लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा और पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और अभी हम केक के टॉप के ऊपर गनाज को गिरा दे रहे हैं और इसको पैलेट नाइफ से धीरे धीरे करके इसको हम स्प्रेड करेंगे। ध्यान रखना ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे का क्रीम ऊपर आ जाएगा, निकल जाएगा। तो हल्के हाथों से इसको प्लेन करेंगे।
साइड में जो चॉकलेट गिर गया है इसको हम साइड में स्क्रैपर की मदद से इसको लगा लेंगे। और इसका जो वेस्ट चॉकलेट जो है इसको निकाल लेंगे, इसको क्लीन कर लेंगे। केक के साइड से हम स्क्रैपर को एक बार घुमा लेंगे ताकि ये क्लीन हो जाए, और केक बोर्ड को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम केक को निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए गोल्डन ड्रिप हम लगाए थे, जिसका वीडियो स्किप हो गया है। तो कोई भी ब्रांड का आप गोल्डन ड्रिप लीजिए और इसको यूज़ करिए। आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और ये एडिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए जो चॉकलेट हम बनाए थे उससे हम डेकोरेट कर ले रहे हैं। इसके ऊपर चॉकलेट रख ले रहे हैं और इसमें स्टार नोजल से थोड़ा छोटे छोटे हम फ्लावर बना ले रहे हैं। और केक के ऊपर थोड़ा सा हम गोल्डन बॉल्स स्प्रिंकल कर दे रहे हैं, चॉको चिप थोड़ा सा डाल देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और इससे कितना अच्छा लुक आ गया है केक में। तो है ना एकदम बनाना इसे आसान और ईजी भी है। तो चॉकलेट प्रीमिक्स से केक बनाना बहुत ही आसान होता है और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। और अगर ऑर्डर का केक आप बना रहे हैं और टाइम कम है तो आप चॉकलेट प्रीमिक्स से आप बहुत ही आसानी से आप केक बना सकते हैं। आज की मेरी चॉकलेट प्रीमिक्स केक की रेसिपी और सिंपल सी डेकोरेशन कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।